हेलो दोस्तों, मैं के और के टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड डाउनलोड कैसे करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप सीधा आ सकते हो। तो हमें सबसे पहले अपना एक मोबाइल नंबर और इस कैप्चे को इसमें फिल करना है। तो दोस्तों चलो मैं फिल कर लेता हूँ। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर और कैप्चे को फिल कर लिया है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको आप फिल कर लेना है। तो चलो फिल कर लेते हैं। तो मैंने अपना ओटीपी फिल कर लिया। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस होने लगेगा। तो इसमें आपको आधार नंबर डाल लेना है और एग्री पर कंडीशन पर क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना। चलो आधार नंबर डाल लेते हैं। तो मैंने अपना आधार नंबर डाल लिया है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस होने लगेगा, जिसमें कि आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो इसमें डाल लेना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो मैंने अपना ओटीपी डाल लिया है। उसके बाद आपको इस वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करते हो, उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस होने लगेगा। उसके बाद उसको डाउनलोड यूएएन कार्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो, उसके बाद ऐसा इंटरफेस होने लगेगा और यहाँ से डाउनलोड यूएएन कार्ड पर क्लिक करके इस कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।